कंसर्न रखता है अर्थ समिट। अर्थ समिट, अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी है। ये 3-14 June 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर हुई थी। इस समिट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जिसमें डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिड रेन, वाटर पॉल्यूशन और टॉक्सिक केमिकल्स पर डिबेट हुई। इससे पहले दो इवेंट हो चुके थे, एक 1970s में, दूसरा 1980s में, जिसमें जिन्होंने ये प्रोपेल किया था कि आगे चल के ये रियो समिट हो। फर्स्ट था उसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट जो कि 1972 को हुआ था। इसमें अप्रोक्सीमेट 113 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, 400 आईजीओज एंड एनजीओज इसमें शामिल थे। दूसरा था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जिसे ब्रुटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, ये 1983 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1987 के अंदर पब्लिश हुई। हम बात करें रियो समिट की, ये 1992 में हुआ था 3-14 June और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इसमें इंश्योर किया गया कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये एक ऐसे समिट रही जो कि वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट असेंबली बनी जिसमें अप्रोक्सीमेट 170 कंट्रीज से भी ज्यादा के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में 3-11 June को डिस्कशन हुआ और आपस में इनके आइडियाज एक्सचेंज हुए, जिन्होंने फिर 12-14 June को होने वाली कन्वेंशन और उनके डिक्लेरेशन पे साइन किए। रियो, रियो एक तरीके से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 20th एनिवर्सरी थी। स्टॉकहोम हुआ था 1972 में, रियो हुआ था 1992 में। इनका मेन ऑब्जेक्ट था नीड फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो रियो एक तरह से एक एक्शन प्लान था जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अर्थ प्लैनेट को सेव करने के लिए रखा गया था। रियो प्लस 20 भी आया, ये आया था 2012 में। इसे रियो अर्थ समिट 2012 कहा जाता है। ये 13 से लेके 22 जून 2012 में हुआ था। इट इज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्स इनमें अडॉप्टेड किए गए थे जैसे कि रियो डिक्लेरेशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन फॉरेस्टी एंड एजेंडा 21। फर्स्ट पढ़ेंगे हम रियो डिक्लेरेशन जिसे ड्राफ्ट अर्थ चार्टर भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल्स जो थे शामिल थे। ये 27 प्रिंसिपल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये माना कि ये हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनने डिक्लेरेशन पे साइन किए। रियो प्लस 10 जो कि 2002 में हुआ था, इसमें एजेंडा 21 का फुल इम्प्लीमेंटेशन किया गया। रियो प्लस 20 जो कि 2012 में हुआ था, रिन्यू पॉलिटिकल कमिटमेंट, इम्प्लीमेंट गैप्स एंड एड्रेस चैलेंजेस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया, पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड 7 प्रायोरिटीज एरिया जो डिस्कस हुए, जॉब, एनर्जी, सिटीज, फूड, वाटर, ओशियन एंड डिजास्टर। इन्हें एक डॉक्यूमेंटेशन में रखा गया जिसका नाम था फ्यूचर वी वांट। दूसरा पढ़ेंगे हम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम दो चीजें पढ़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज में हम पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल एंड कोपेनहेगन अकॉर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे अचीटागेस,
कार्टाजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल। फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया गया, 2005 में ये फोर्स के अंदर लाया गया। अप्रॉक्सीमेट 164 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल थे। कोप 6 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7, बॉन अग्रीमेंट 2001 एंड मार्केश अकॉर्ड 2001 इसके अंदर शामिल थे। इसमें ये विचार किया गया कि ग्रीन हाउस गैसें ही क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस में 6 इंपॉर्टेंट गैसेस पर डिस्कशन हुआ। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दूसरा हम पढ़ेंगे कोपेनहेगन अकॉर्ड, जो कि 2009 में आया था। ये भी ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करने के लिए बनाया गया। इसमें ग्लोबल टेम्परेचर जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो रहा था उस पर डिस्कस किया गया। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डिस्कशन वाले थे, इमिशन रिडक्शन गोल फॉर 2020, नो टारगेट फॉर डेवलपिंग नेशन, अप्रॉक्सीमेट $30 मिलियन इन फास्ट स्टार्ट फ्रॉम डेवलप्ड नेशन ड्यूरिंग 2010 to 2012, बियॉन्ड 2012 डेवलप्ड कंट्रीज वुड मोबिलाइज $100 बिलियन ए ईयर बाय 2020। क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के नाम से फेमस हुई। वर्ल्ड में ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है। सभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिनेवा के अंदर हुई है। हम वन बाय वन पढ़ेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में हुई है, जिनेवा में हुई है, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए गए। इसके अलावा IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश हुआ। सेकेंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि 1990 में हुई थी, ये भी जिनेवा में हुई थी। रिव्यू वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम रहा ये, जिसमें UNFCCC को एस्टैब्लिश किया गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। थर्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये 2009 में हुई थी, जिनेवा में हुई थी। फोकस पॉइंट था इसका क्लाइमेटिक प्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2005 to 2015। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बायोडायवर्सिटी, जिसे CBDB कहा जाता है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। फर्स्ट पढ़ेंगे हम आज ही टारगेट्स। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 हेल्ड एट नागोया आज ही जापान, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन टारगेट्स इसमें बताए गए। ये प्रोटेक्शन टारगेट्स जो थे ये शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान में थे। शॉर्ट टर्म प्लान जो उनके लिए था वो था 2011 से 2020, लॉन्ग टर्म प्लान जो उनके लिए था वो था 2050। इसमें 20 टारगेट्स बताए गए जो कि अलग अलग सेक्शन के अंदर थे। एड्रेस कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, रिडक्शन डायरेक्ट रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडायवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज, सेफ गार्ड इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी बेनिफिट्स टू ऑल, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग्स। सेकेंड वन इज कार्टाजिना प्रोटोकॉल, जिसे बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसे 2000 के अंदर साइन के लिए ओपन किया गया था, 2003 में इसे रेटिफाइड किया गया, 2004 में ये फोर्स में लाया गया। इसमें बायोटेक्नोलॉजी में काम में आने वाले लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर डिस्कशन किया गया, उनके ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट और हैंडलिंग पर डिस्कशन हुआ, अदर बैलेंस, पब्लिक हेल्थ अगेंस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, प्रिकॉशनरी अप्रोच इन प्रिंसिपल 15 ऑफ रियो, एस्टैब्लिश बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउसेस। थर्ड पढ़ेंगे नागोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल, जो कि 2014 में फोर्स में आया था। इसमें इम्पॉर्टेंट थे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज।
assess and benefit sharing, clearing house, facilitate implementation, transparency and monitoring, create the legal certainty. नेक्स्ट है इसके अंदर कन्वेंशन ऑन फॉरेस्टी. ये फर्स्ट ऐसी कन्वेंशन थी जो कि फर्स्ट ऐसी ग्लोबल कंसेंसस थी जो कि फॉरेस्ट पे हुई थी. डेवलप नेशन शुड वर्क टू ग्रीन द वर्ल्ड, डेवलप फॉरेस्ट बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेट एंड बोरल फॉरेस्ट स्टार्टेड. Now agenda 21. Agenda 21 is one of the most important one. ये non-binding plan था, voluntary था और United Nation का action plan था और sustainable development से ये जुड़ा हुआ था. And 21 is referred to as the 21st century. Implementation of the program with target and cost estimate in all areas of environment and development. This is the first global action plan जो कि sustainable development को promote करता था. So here this is the summary of Earth Summit. Earth Summit जो कि 1992 में हुआ था, इसे Rio Earth Summit 1992 कहा जाता है और दूसरा Rio Plus 20 है जो कि 2012 में हुआ था. रियो 1992 3 से लेके 14 जून को हुआ था और रियो प्लस 20 13 से लेके 22 जून को 2012 में हुआ था. इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया गया था, वो थे रियो डिक्लेरेशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडायवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन फॉरेस्टी एंड एजेंडा 21. रियो डिक्लेरेशन में ये ट्वेंटी सेवन प्रिंसिपल्स के साथ आया था और रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन पे सिग्नेचर करे थे. कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसमें हमने पढ़ा क्योटो प्रोटोकॉल एंड कोपेनहेगन अकॉर्ड्स, जिसमें ये बताया हमने समझा कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करने के ऊपर चर्चा हुई. बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ा एची टारगेट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगरिया जायंटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी को लेके प्रोटेक्शन को लेके या उनके कंजर्वेशन को लेके इन प्रोटोकॉल्स को बनाया गया, जो हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ा. कन्वेंशन ऑन फॉरेस्टी एंड एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं और इस रियो समिट से हमने ये जाना कि फ्यूचर में इकोसिस्टम को मिनिमम डिस्टर्बेंस किए बिना किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किया जा सकता है.